हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ ब्रेक इवन एनालिसिस शॉर्ट नोट्स के बारे में। सो ब्रेक इवन एनालिसिस और दूसरा टॉपिक होने वाला प्राइस कोटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू नो एग्जामिनेशन। बीसीओई 141 से रिलेटेड ये टॉपिक है एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ सिंगल वीडियो एंड उसके पहले मैंने 3-4 वीडियोज अपलोड किए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आप वहां जाओगे। नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं आपको, जो मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ ये मैं हमारे नोट्स से पढ़ा रहा हूँ जो हम लोगों ने एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली बनाया है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो इन नोट्स को बाय करना चाहते हैं प्लीज कॉल एंड व्हाट्सएप सो दैट यू कुड गेट इट। इट विल बी चार्जेबल डेफिनेटली 100 रुपीज पर पेपर है फ्रॉम फॉर द मंथ ऑफ जून ओनली। नेक्स्ट सेशन से ये चीजें बढ़ेंगी, प्राइसेस इसकी इंक्रीज होंगी जून के महीने में। जिस महीने में एग्जाम होगा सिर्फ उसी महीने इसकी प्राइसेस कम होती हैं। तो अभी आप 100 रुपीज में भी सिर्फ इसको बाय कर सकते हो इफ यू वांट। यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और व्हाट्सएप मी। सो वी विल स्टार्ट टुडेस टॉपिक व्हिच इज अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है और प्राइस कोटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, ये दो टॉपिक हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर जो है बाकी के दो दो टॉपिक्स किए जाएंगे, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। सो ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल्स needed to cover total cost both fixed and variable, है ना? Break even analysis जो होता है वो एक financial calculation होता है जहाँ पे आप ये determine करते हो कि कितने रुपए की sale अगर आप करोगे तो आपका जो total cost हुआ, जो total आपका खर्च पड़ा है, चाहे वो fixed cost हो या variable cost हो, वो आप उसको बराबर कर पाओ। सपोज आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने में या बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने में आपको अगर 100 रुपए लगे हैं तो 100 रुपए की सेल अगर आप कर लेंगे तो आपका लॉस जरा भी नहीं होगा, क्योंकि जितने रुपए आपने लगाए थे उतने रुपए आपने ऑलरेडी कमा लिए हैं। सो दैट्स 100 रुपीज का जो पॉइंट है उसको हम लोग ब्रेक इवन कहते हैं, है ना, कि आपका जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन हो गया। आपका ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, उससे ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, उससे कम होगा तो फिर लॉस होगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन टूल होता है जिसमें हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं द ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पे 100 रुपीज का जो मैंने पॉइंट बताया तो वही बोली जा रही है। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिस एनालिसिस हेल्प्स बिजनेसेस अंडरटेक द मिनिमम सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अवॉइड लॉसेस एंड इज क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग प्राइसिंग प्रोडक्शन लेवल्स एंड बजटिंग, है ना। तो ये जो जो तरीका है ये आपको हेल्प करता है, ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को ये अंडरस्टैंड करने में कि उनको कितनी की सेल करने की जरूरत है ताकि उनको लॉसेस ना हो, लॉसेस को अवॉइड करने के लिए क्या उनको करना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे वो क्रूशियल डिसीजन जो है वो भी वो चाहें तो ले सकते हैं, है ना। जैसे कि वो किसी भी तरह का डिसीजन हो गया कि उसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्शन लेवल है कितना ज्यादा प्रोड्यूस करना है कितना कम करना है, और बजटिंग किस तरीके से करनी है, किस चीज के ऊपर कितना खर्च करना है, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इज यूनिट्स इज ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बताया गया। सो बीपी पॉइंट अगर आपको निकालना है तो आपको करना होगा बीपी यूनिट्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट सेलिंग प्राइस यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा है और इसी फॉर्मूले के तहत जो है आप ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपना जो जो पॉइंट है वो आप निकाल सकते हैं कि कितना जो है वो आपका पॉइंट होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है बट इट्स ओके, आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है ना। स्लैश में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, खैर कोई बात नहीं। तो आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा क्योंकि एग्जाम में पॉइंट्स लिखने ज्यादा जरूरी है, जो पूछा जाएगा आपको आपको वो लिखना पड़ेगा। बी नंबर पॉइंट है प्राइस कोटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है ना। तो प्राइस कोटेशन आपकी क्या होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। सो दिस रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज एक्सचेंज रेट्स टैरिफ शिपिंग कॉस्ट एंड इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को या सर्विसेज की प्राइसेस को जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी कंट्री में वो आपको रखना होता है ना। सपोज आपके प्रोडक्ट की प्राइस इंडिया में 80 रुपए है, लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में बेचोगे तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को उस कंट्री में ले जाने का एक खर्च होगा, उस कंट्री में उस प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे तो उसका एक खर्च होगा, है ना। तो इन सब खर्चों को जोड़ करके, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो ज्यादा रखनी है। अगर इंडिया में 80 रुपए में बिक रही है तो उन सारे खर्चों को देख लेने के बाद आपको वहां पे उसको 150 या 200 रुपीज में बेचना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉफिट भी हो
और आपकी सारे खर्च जो है वो भी उसमें आ जाए। सो प्राइस कोटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट का मतलब जो है वो यही होता है। इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग अ कॉम्पिटेटिव प्राइस। ये यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप एक कॉम्पिटेटिव प्राइस डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो दैट कवर ऑल कॉस्ट वाइल बींग अट्रैक्टिव टू फॉरन बायर्स। जहाँ पे आप अपने कॉस्ट को भी कवर करने की कोशिश करते हो, साथ ही साथ ऐसा प्राइस भी रखने की कोशिश करते हो जो कि फॉरेन बायर्स को अट्रैक्ट करे, राइट। की कंपोनेंट्स इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, फ्रेट ऑन बोर्ड आ जाएगा, FOB आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा एंड फ्रेट आ जाएगा, CIF जिसको बोलते हैं, ये सारे खर्च जो हैं, और अदर टर्म्स लाइक एक्स वर्क्स, ये सारे खर्चे जो हैं आपको मिला करके जोड़ने हैं और फिर आपको रखना है कि क्या प्राइस में रखूं इन सबको जोड़ने के बाद जिससे आपको जो है प्रॉफिट हो। एक्यूरेट प्राइस कोटेशंस आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है भाई तो आपको एक्यूरेट प्राइस कोटेशन आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है एज दे इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट कॉम्पिटेटिवनेस। क्योंकि इसके वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, आपके मार्केट कॉम्पिटेटिवनेस के ऊपर आपका असर पड़ेगा, क्योंकि एक प्लेयर नहीं है जो बिजनेस कर रही है, बहुत सारी कंपनीज है, तो आपको डिटरमाइन जो है उसी तरीके से करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट टू टॉपिक्स व्हिच इज ब्रेक इवन एनालिसिस एंड प्राइस कोटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग दिस वीडियो सो दैट एवरीबडी वुड नो अबाउट दिस। एंड आपको अगर नोट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, वॉट एवर यू नीड, जस्ट कॉल मी और व्हाट्सएप मी। यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप, जो हमारा बीकॉम का स्पेसिफिक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे सेमेस्टर के असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ वन टाइम आपको पे करना है 100 रुपीज, उस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी है। असाइनमेंट्स आपका कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। नोट्स हमेशा ही चार्जेबल है, तो वो प्राइसेस उसकी ऊपर नीचे होती रहती हैं। एग्जाम के टाइम पे जैसे अभी 100 रुपीज है, एग्जाम के तुरंत बाद उसकी प्राइसेस जो है वो 300 हो जाएंगी, है ना। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात यहाँ पे आ जाती है, तो वो एक चीज है जो आप कर सकते हो अगर आप स्टडी कर रहे हो दिसंबर को लेकर के, है ना। तो आप पहले से नोट्स लेके रख लो ताकि आप स्टडी उसके अकॉर्डिंग जो है कर पाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।